बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अगर आप अच्छा खाना खाना पसंद करते हैं और टेस्टी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सके। आज हम बना रहे हैं चिकन स्टीम रोस्ट। हम इसको बोटियों में बनाएंगे, और अगर आप चाहें तो आप थाइस के और चेस्ट के बड़े पीसेस भी बनवा सकते हैं। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह उसकी भी रेसिपी अपलोड करूंगी। आइए स्टार्ट करते हैं। 1 टीस्पून हमने ब्लैक पेपर पाउडर लिया, काली मिर्च पाउडर। 1 टेबल टीस्पून हमने भुना हुआ कुटा हुआ धनिया लिया। 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक पेस्ट। 1 टेबल स्पून हमने लाल मिर्च पाउडर ली। 1 टेबल स्पून लेमन जूस लिया। 1 टीस्पून हमने पेपरिका पाउडर लिया। 1 टीस्पून हम हल्दी पाउडर लेंगे। जावित्री का पाउडर हमने लिया 1 टीस्पून। 1 टेबल स्पून हम गरम मसाला लेंगे। हसबे ज़रूरत आप नमक लीजिए। 1 प्याली दही है और हमारे पास 1 किलो चिकन है। बोटियाँ हमने थोड़ी बड़ी बनवाई हुई हैं, आप अपने हिसाब से ले लीजिए। सबसे पहले हम इसमें दही शामिल करेंगे। इसके बाद वन बाय वन तमाम जो मसाले हैं हमारे वो शामिल करेंगे। ब्लैक पेपर डाली, पेपरिका पाउडर शामिल किया, नमक हमने डाला, साथ ही हमें जावित्री का पाउडर डाला, हल्दी पाउडर शामिल करेंगे, भुना हुआ कुटा हुआ धनिया डाला, लाल मिर्च पाउडर डाला, लेमन जूस शामिल करेंगे, और ये हमारे पास भुना हुआ धनिया है। अच्छा, ये हमने लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया। एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, स्पाइस, खासतौर पे मसाले, मिर्च जो है और नमक आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। लेग पीसीज जो है उन पे आप कट लगवा लीजिए ताकि अच्छी तरह मैरिनेट हो जाए। लास्ट में हमने जर्दे का रंग डालना है 1 टीस्पून। हमने हल्दी इसलिए डाली थी कि बहुत से फूड कलर्स जो होते हैं वो बहुत डार्क शेड दे देते हैं, थोड़ा ज़्यादा कलर हो जाता है। अगर हल्दी के साथ आप फूड कलर ऐड करेंगे तो उसका कलर भी बहुत अच्छा आता है और टेस्ट भी एक चेंज आता है। आप ट्राई करेंगे तो आपको ज़रूर पता चलेगा। ये हमने मिक्स कर लिया अच्छी तरह। इसको हमने ओवरनाइट मैरिनेट करने के लिए रखना है। अगर आपको जल्द बनाना है तो आप 3 से 4 घंटे लाजमी रखिएगा। इसको हम कवर कर देंगे और इसको रखेंगे ओवरनाइट। ये मैरिनेट हो चुका है हमारा चिकन। अब एक पैन में हमने पानी गरम किया है, तकरीबन 2 से 3 गिलास। उसके अंदर एक स्टैंड रखेंगे, उसके ऊपर हमने ये नेट रख दी, जाली रख दी है। एक हमारे पास जाली की छलनी टाइप थी, आपके पास जो भी चीज़ अवेलेबल हो आप वो रख सकते हैं। उसके बाद इस पे हमने फॉइल पेपर रखा। फॉइल पेपर में हमने छोटे छोटे होल करने हैं ताकि स्टीम उसके अंदर से जा सके। अगर आपके पास बड़े पीसेस हैं चिकन के तो आप जो है वन बाय वन फोल्ड कर सकते हैं फॉइल पेपर में। हमने एक बड़ा फॉइल पेपर रखे, उसमें छोटी बोटियां थी हमारी, हम तमाम उसी में डाल देंगे। तमाम पीसेस हम इसमें रखेंगे। अब फॉइल पेपर को अच्छी तरह फोल्ड करेंगे ताकि अच्छी तरह तमाम जो है हमारा चिकन कवर्ड हो जाए। अब हमने लीड को कवर कर देना है। पानी बॉयल हो रहा है हमारा, ये अच्छी तरह फोल्ड कर दिया है फॉइल पेपर से और इसको हम बंद कर देंगे। ये जो हमारा लीड में होल है इसको हमने आटे की मदद से, गीला आटा जो होता है गुंधा हुआ, उसकी मदद से हमने इसको जो है कवर कर दिया है ताकि स्टीम हमारी बाहर ना आए। तकरीबन 30 मिनट्स, आधा घंटा बाद हमने इसको खोला है। देखिए स्टीम बहुत अच्छी सी बनी है, यकीनन चिकन भी बिल्कुल रेडी हो चुका होगा। एक बार हमने बीच में भी इसको खोल के चेक किया था, ये देखिए बिल्कुल रेडी है, बहुत अच्छी तरह गल चुका है। अक्सर लोग ये कहते हैं कि चिकन जो है अंदर से कच्चा रह जाता है या ब्लड वगैरह लेग पीसीज या बड़े पीस में रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। आप इसी रेसिपी से ट्राई कीजिएगा, यकीनन आपको पसंद आएगा और आपको समझ भी आ जाएगी कि ऐसा कुछ नहीं है। रेसिपी को एंजॉय कीजिए, टेस्ट कीजिए और ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा आपको कैसी लगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, फैमिलीज में शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।